एक्सेप्शन. तर पॉवर सॉचा पहिला प्रकार आपण पाहिला होता, त्याचं नाव पाहिलं होता रेसिप्रोकेटिंग पॉवर सॉ. तर पहिला रेसिप्रोकेटिंग पॉवर सॉ. रेसिप्रोकेटिंग पॉवर सॉ. तर रेसिप्रोकेटिंग पॉवर सॉ हॅक्सॉ की तरह ही कार्य करती है. म्हणजे याचा कार्य पण कसं आहे, हॅक्सोग्रेन सारखाच आहे. यह दो प्रकार के मैकेनिज्म पर चलती है. दो प्रकार के मैकेनिज्म पर चलती है. यांत्रिक तथा हाइड्रोलिक. यांत्रिक तथा हाइड्रोलिक. यांत्रिक तथा हाइड्रोलिक. अधिकतर पावर सॉ में दोनों ही मैकेनिज्मों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है. म्हणजे जास्तीत जास्त पावर सॉ मध्ये या दोन्ही मैकेनिज्मला मिळून याचा वापर केला जातो. ब्लेड को ऊपर नीचे लाने में हाइड्रोलिक तथा रेसिप्रोकेटिंग गति दिलाने के लिए यांत्रिक मैकेनिज्म प्रयोग किए जाते हैं. यांत्रिक म्हणजे मेकॅनिकल. यांत्रिक म्हणजे मेकॅनिकल. मेकॅनिकल रेसिप्रोकेटिंग गति दिलाने के लिए यांत्रिक मैकेनिज्म प्रयोग किए जाते हैं. पावर सॉ पर प्रयोग होने वाला ब्लेड हैक्सॉ ब्लेड की तुलना में अधिक मोटा, अधिक चौड़ा तथा अधिक लंबा होता है. म्हणजे ज्या ब्लेडचा वापर आपण पावर सॉ मध्ये करतो त्याची तुलना जर कधी केली तर एक्सोफ्रेमच्या ब्लेड पेक्षा त्याची साईज, त्याची जाडी, त्याची लांबी जास्त असते. ब्लेड पर दाब को कम ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए इसके पीछे एडजस्टेबल भार रहता है. म्हणजे ब्लेड वर प्रेशर कमी जास्त करण्याकरिता त्याच्या मागे एक वेगळा प्रकारचा लोड लावला जातो किंवा वजन लावला जातो. ऍडजस्टेबल लोड लावला जातो. कभी कभी हायड्रॉलिक प्रेशर का भी प्रयोग किया जाता है. हायड्रॉलिक प्रेशर द्वारा बैक स्ट्रोक में ब्लेड को ऊपर उठाया जाता है. इससे ब्लेड की आयु म्हणजे लाइफ बढ़ जाती. ही माहिती झाली रेसिप्रोकेटिंग पॉवर सॉ बद्दल. आता दुसरा पॉइंट आहे त्याचा किंवा दुसरा प्रकार होता त्याचा बँड पॉवर सॉ. दुसरा प्रकार होता बँड पॉवर सॉ.
इस मशीन में दो पुली होती है जिन पर एक फ्लेक्सिबल ब्लेड बैंड के रूप में चलता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड फ्लेक्सिबल ब्लेड बैंड के रूप में चलता है। यह बैंड एक ही दिशा में चलता है तथा कटाई करता है। इसका ब्लेड जो बैंड के रूप में होता है अधिक कठोर नहीं होता, इसलिए अधिक हार्ड धातुओं को काटने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। जॉब को पकड़ने के लिए वॉइस लगी होती है। यह लकड़ी काटने की क्षैतिज आरा मशीन के समांतर होती है। क्षैतिज आरा मशीन म्हणजे हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। सर्कुलर किंवा राउंड पॉवर सॉ। इस मशीन में कटिंग ब्लेड एक पतली हाई स्पीड स्टील की सर्कुलर प्लेट के आकार का होता है। इस मशीन में म्हणजे सर्कुलर पॉवर सॉ मध्ये कटिंग ब्लेड एक पतली हाई स्पीड स्टील की वृत्ताकार प्लेट सर्कुलर प्लेट के आकार का होता है जिसकी परिधि पर दांते बने होते हैं। परिधि म्हणजे त्याची पेरिफेरी, दांते बने होते हैं। जॉब को पकड़ने के लिए एक स्लाइडिंग वॉइस का प्रयोग किया जाता है। इस वॉइस में जॉब को जकड़कर घूमती हुई सर्कुलर सॉ के विरुद्ध दबाव डाला जाता है जिससे कटिंग ऑपरेशन होता है। तर ही माहिती झाली तुमची पॉवर सॉ बद्दल, सर्कुलर पॉवर सॉ बद्दल किंवा वृत्ताकार पॉवर सॉ बद्दल। आता 14 आणि शेवटचा पॉवर सॉ राहिला आपला, त्याचं नाव होता प्रोफाइल पॉवर सॉ। प्रोफाइल पॉवर सॉ। प्रोफाइल पॉवर सॉ। यह मशीन भी बैंड सॉ के समान होती है। इसका ब्लेड अत्यधिक पतला तथा कम चौड़ा होता है जिसके कारण कटिंग करते हुए इसे किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है। इसकी टेबल या प्लेटफॉर्म को भी झुकाया जा सकता है, म्हणजे ती पण कशी असते, एडजस्टेबल। त्याचं टेबल पण कसा एडजस्टेबल असतो। अंदरूनी प्रोफाइल काटने के लिए पहले ड्रिल द्वारा होल कर लिया जाता है तथा उस होल में से बैंड सॉ के लिए बैंड सॉ के ब्लेड को गुजार कर कटिंग की जाती है। म्हणजे
आतून जर कधी एखादी प्रोफाइल किंवा कटिंग करायची असेल तर मग आपण काय करतो, पहिले एक ड्रिल करून एक होल पाडतो, मग नंतर त्या होल मधूनच बँड सॉचा एक ब्लेड पास करतो आणि मग नंतर कटिंग कंटिन्यू करतो. तर ही झाली माहिती तुमची चौथ्या प्रकाराबद्दल किंवा पॉवर सॉ बद्दल. ठीक आहे, तर इथे झालं तुमचे पॉवर सॉचे चारही पण प्रकार झाले. आता पहिला पॉवर पाहिला, पहिला प्रकार पाहिला आपण रेसिप्रोकेटिंग पॉवर सॉ, दुसरा पाहिला बँड पॉवर सॉ, तिसरा पाहिला वृत्ताकार किंवा सर्क्युलर पॉवर सॉ, आणि आता चौथा शेवटचा होता प्रोफाइल पॉवर सॉ. आता पुढचा पॉइंट आहे आपला प्रिकॉशन्स व्हाइल युझिंग पॉवर सॉ. प्रिकॉशन्स व्हाइल युझिंग पॉवर सॉ म्हणजे पॉवर सॉ प्रयोग करते समय सावधानिया, पॉवर सॉचा वापर करताना सुरक्षितता. त्याचे पाच पॉइंट दिलेले आहेत. तर पहिला पॉइंट आहे पॉवर सॉ प्रयोग करते समय सावधानिया. पॉवर सॉ प्रयोग करते समय सावधानियां. प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग पॉवर सॉ. Precautions while using power saw. Precautions while using power saw. पहला पॉइंट यह था जॉब की माप लेते समय पावर सॉ को बंद करना ना भूले. चलती अवस्था में मापने का कार्य ना करें. म्हणजे मशीन चालू असताना मेजरमेंट करायचा नाही किंवा मेजरमेंट त्याची करायची नाही. दुसरा पॉइंट है लंबे लट्ठे के पीछे से सराहना चाहिए. सॉरी, लंबे लट्ठे को पीछे से सहारना चाहिए. इसके लिए स्क्रू जैक या कोई जॉब सपोर्ट प्रयोग करना चाहिए. तीसरा पॉइंट है जॉब छोटा रह जाने पर स्पेसर का प्रयोग करें. स्पेसर जॉब छोटा रह जाने पर स्पेसर का प्रयोग करें. चौथा पॉइंट है ब्लेड पर अधिक दबाव ना रखें तथा हमेशा कूलेंट का प्रयोग करें. म्हणजे ब्लेड वर जास्त प्रेशर ठेवायचा नाही आणि कंटिन्यू कूलेंटचा वापर करत राहायचा. पाचवा पॉइंट है एक ही लंबाई के पीस काटने के लिए स्टॉपर या स्टॉप गेज का प्रयोग करें. एक ही लंबाई के पीस काटने के लिए स्टॉपर या स्टॉप गेज का प्रयोग करें. म्हणजे त्याची ऍडजस्टमेंट करून घ्यायची. तर हे झालं त्याच्या पाच पॉइंट पॉवर सॉ प्रयोग करते समय सावधानिया. म्हणजे ते पाच सावधानी झाली त्याची काय काय सुरक्षितता घ्यायची. आता आपला या चॅप्टरचा शेवटचा पॉइंट आहे रेतिया, ज्याला म्हणतात आपण फाइल्स.
ठिकाना करने। किसी कार्यखंड की सतह पर खुरदरी सतह ब्रैकेट मध्ये लिहून घ्या रफ सरफेस, रफ सरफेस खुरदरी सतह, रफ सरफेस खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को पूर्ण रूप से हटाने की प्रक्रिया को फाइलिंग कहते हैं, म्हणजे ज्याला आपण फिनिशिंग म्हणतात, वर्ष पूर्ण होऊन ते काढून देतात त्याला म्हणतात आपण फिनिशिंग किंवा फाइलिंग, तथा इस टूल को रेती कहा जाता है, आणि ज्या टूलनं किंवा ज्या साहित्याचा वापर करून ते काम करतात तुम्ही त्याला म्हणतात फाइल किंवा रेती, लक्षात ठेवायचा रेती शब्द। रेती का फिटर द्वारा फिटर शॉप में प्रयोग किया जाता है, फिटर शॉप में एक पार्ट के अनुरूप दूसरे पार्ट के आकार व साइज को तैयार किया जाता है, इसके लिए दूसरे पार्ट को फाइलिंग द्वारा धीरे धीरे रगड़ते रहते हैं। रेती के द्वारा हम प्लेन सतह, वक्र सतह, वृत्ताकार या आयताकार होल, लगभग प्रत्येक प्रकार की आकृति पर से फालतू पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न आकार के साइज की रेतियां बाजार में उपलब्ध है। बरोबर, म्हणजे जॉब नुसार आपण फाईलचा वापर करू शकतो आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या साइज मध्ये फाइल्स बाजारात उपलब्ध आहे। हा होता आपला फाइल्स म्हणजे शेवटचा पॉइंट होता या चॅप्टरचा, इथं आपला तिसरा चॅप्टर सामान्य हस्त होता संपला किंवा कॉमन हँड टूल्स, असं त्या कॉमन हँड टूल्स कॉमन हँड टूल्स मध्ये आपण पहिला पाहिला हॅमर, त्याचे प्रकार पाहिले, मग नंतर दुसरा पाहिला आपण व्हॉइस, त्याचे पण प्रकार होते ते पण पाहिले, मग नंतर तिसरा चालू केला होता आपण की चाबी किंवा कुंजी, त्याचे काय प्रकार होते ते पाहिले, मग नंतर चीजर्स, चीजरचे प्रकार आपले झाले, नंतर हॅक्सॉ, हॅक्सॉचे प्रकार पण आपले झाले, आणि शेवटचा पॉइंट होता फाइल्स रेती। तर हा पॉइंट आपला इथं संपला आणि आपला चॅप्टर इथं संपला। आता पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण आपला नवीन चॅप्टर चालू करू, मार्किंग अँड मार्किंग टूल्स, मार्किंग एवं मार्किंग टूल्स, आणि ते चालू करण्याआधी आपण पहिले तिसऱ्या चॅप्टरवर तुमची टेस्ट देऊ, टेस्ट झाल्यानंतरच आपण आपला चौथा चॅप्टर चालू करू। तर तुम्ही चांगला अभ्यास करून घ्या, टेस्टची तयारी करून घ्या, बाकीचा पाहू आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये। थँक्यू।